हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कोरोना पर राहत की खबर दिल्ली से आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अगले दो दिन में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत होने जा रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दरअसल डॉक्टर्स की सलाह पर कोई भी यहां से प्लाज्मा ले जा सकेगा प्लाज्मा थेरेपी के लिए। केजरीवाल ने ठीक हो चुके मरीजों से अपना प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की है। केजरीवाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में एलएनजीपी अस्पताल में 35 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई, जिनमें से 34 लोग ठीक हो गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी तबियत बिगड़ने के बाद प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट से ही ठीक हुए। आप लोगों को याद होगा, लगभग 2-2.5 महीने पहले मैंने बताया था कि हम लोग प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल कर रहे हैं। हमने प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया, 29 मरीजों के ऊपर किया। जो नतीजे आए वो काफी उत्साहवर्धक थे। उसके आधार पे केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी प्लाज्मा थेरेपी करने की इजाजत दी। अब प्लाज्मा थेरेपी की तो इजाजत मिल गई, लेकिन प्लाज्मा कहां से आए? प्लाज्मा वो लोग दे सकते हैं जो अभी कोरोना जिनको हुआ और वो ठीक हो गए, जिन्हें कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, उनके खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। अगर उनके खून से प्लाज्मा निकाल के कोरोना को के मरीज को दे दिया जाए तो कोरोना का मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, उसके शरीर में भी एंटीबॉडीज बननी चालू हो जाती हैं। तो इस टाइम लोग प्लाज्मा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसीलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा और इस प्लाज्मा बैंक से सभी को प्लाज्मा मिलेगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। कोई सीधे ILBS जो हमारा अस्पताल है दिल्ली सरकार का, वहां पे प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए तो डॉक्टर को या अस्पताल को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा कि इनको प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत है। मेरी सब लोगों से, जो जो लोग कोरोना से ठीक हो गए, उन सब लोगों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप सब लोग सामने आके खुल के प्लाज्मा डोनेट कीजिए ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद हैं। अंकित, क्या माना जाए ये प्लाज्मा थेरेपी, क्या दिल्ली को कोरोना से बचने का कवच मिल गया है? ये फिलहाल एक, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस चीज का जिक्र किया कि इसको जो है ये नहीं कहा जा सकता कि 100% इसका सक्सेस रेट है, लेकिन निश्चित तौर पर जो अब तक टेस्ट किए गए हैं उसमें बड़ी जो संख्या में सफलता पाई गई है, और इस तरह से ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा कदम है प्लाज्मा जो बैंक बनाने का। क्योंकि दिल्ली में जैसा कि जो आंकड़ा है 80,000 से ज्यादा केसेस हैं, तो 50,000 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो कि सही हुए हैं, और ऐसे में अगर जो उन लोगों का प्लाज्मा, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो चुकी है, प्लाज्मा उस मरीज में चढ़ाया जाता है तो उसका फायदा मिलता है। और अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ टेस्ट हुए हैं, यानी कि जिन लोगों के ऊपर ये सफलतापूर्वक जो है इसका एक तरीके से टेस्ट किया गया है, ट्रायल किया गया है, उन लोगों का जिक्र किया है और साफ तौर पर इसी आधार पर ये प्लाज्मा बैंक बनाने की बात कही गई है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ा कदम तो जरूर कहा जा सकता है केजरीवाल सरकार का यह फैसला। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए।